नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूँ विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूँ आपके लिए दिन भर की खबरें। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान को लेकर मचे बवाल के बीच गुरुवार को टी राजा की दोबारा से गिरफ्तारी हो गई है। टी राजा को मंगलवार को बेल पर छोड़ दिया गया था। इसके बाद से लोग हैदराबाद में प्रदर्शन करके टी राजा की फिर से गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। 24 अगस्त की रात हैदराबाद में ओल्ड सिटी में बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और टी राजा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे थे। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी सर तन से जुदा के नारे भी लगा रहे थे। वहीं कंचनबाग पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आक्रामक नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन कर रहे 80 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया था। हालांकि पुलिस की इस कार्यवाही पर AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी के दखल के बाद प्रदर्शनकारियों को छोड़ दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बृहस्पतिवार को उन 800 करोड़ रुपए के स्रोत पर सवाल उठाया जिनकी कथित रूप से पेशकश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को पाला बदलने के लिए की गई है। अपने आवास पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक के बाद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ भाजपा के ऑपरेशन लोटस की विफलता की प्रार्थना करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट गए थे। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने हमारे विधायकों को 200 करोड़ रुपए की पेशकश दी है। उन्होंने दिल्ली सरकार को गिराने के लिए 800 करोड़ रुपए रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस देश के नागरिक इस पैसे का स्रोत जाना चाहते हैं, ये GST से आया है या PM केयर्स कोष से आया है, कुछ दोस्तों ने उन्हें पैसा दिया है क्या। उन्होंने ये भी कहा कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक झूठी प्राथमिकी में नामजद किया गया है। सिसोदिया आबकारी नीति 2021-22 में कथित भ्रष्टाचार को लेकर CBI जांच का सामना कर रहे हैं। केजरीवाल ने पत्रकारों से कहा कि CBI ने सिसोदिया के घर के गद्दों और दीवारों तक की तलाशी ले ली, लेकिन एक भी रुपया ऐसा नहीं मिला जिसका हिसाब उनके पास ना हो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह को UP भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसकी घोषणा गुरुवार को कर दी गई। स्वतंत्र देव सिंह के इस्तीफे के बाद से ये जगह खाली थी। भूपेंद्र सिंह योगी सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। इसके अलावा JP नड्डा ने त्रिपुरा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा भी कर दी है। राजीव भट्टाचार्य को त्रिपुरा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भूपेंद्र सिंह को बुधवार को दिल्ली बुलाया गया था, जिसके बाद उनके यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। उन्होंने JP नड्डा से मुलाकात की थी। बताया जा रहा था कि आजमगढ़ से आनन फानन में दिल्ली आकर भूपेंद्र सिंह ने नड्डा से मुलाकात की थी। पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय से आने वाले भूपेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपकर भाजपा एक तीर से कई सारे निशाने साधने की कोशिश कर सकती है। जानकारों का कहना है कि इसके जरिए भाजपा ने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण साधने की कोशिश करी है। जाट वोट बैंकों को साधने के लिए भूपेंद्र सिंह सबसे मजबूत चेहरा माने जा रहे हैं, इसीलिए भाजपा ने उनको चुना। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।